अखिलेश पखिलेश छोड़ो, अरे छोड़ो मायावती को, इस तरह बात करते हैं। इनका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री बन लेंगे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जिनका नाम रख रहे हैं हमारे बगैर, तो हम पे तो खोने को कुछ है नहीं। आज हम तो जितना भी ये गेन कर रहे हैं डे बाय डे कोऑर्डिनेटर सिस्टम को पूरे को बहन जी इस तरह लगी पड़ी है पूरे देश का जाल बिछाकर, खास करके उत्तर प्रदेश में, पर इन पे खोने के लिए सब कुछ है। उस दिन भी कि अखिलेश जी पहले मीटिंग में निकल करके आ गए थे और कहीं ना कहीं उनको जो मध्य प्रदेश की घटना है वो याद थी कि जहां उनकी ताकत थी कांग्रेस की ज्यादा, तो वहीं ये कह दिया था छोड़ो अखिलेश को, तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में मेरी ताकत ज्यादा है मीटिंग से पहले निकल करके आ गए थे। तो इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ये रूमर और झूठी बातें थी दोनों खबरें, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन में लगातार चल रही खींचातान के बीच अब बीएसपी का एक बयान सामने आया है, जिसमें बीएसपी सांसद मलुक नागर ने कहा है कि मायावती को इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, इसी से इंडिया अलायंस को फायदा होगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मलुक नागर साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक बयान आपका आया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार जो है घोषित कर देना चाहिए, उसी से ही गठबंधन को फायदा हो सकता है, ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये बयान दिया कि यूपी में अगर बीएसपी साथ नहीं मिलती तो बीजेपी की 75 और 73 सीट आ रही है। किसी दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने कहा है कि बीजेपी को पूरे देश में अगर हराना है तो बीएसपी को साथ लेना है। जब ये दो बातें कांग्रेस के लोग कहते हैं तो मैंने कहा और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस फिर झिझक क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है, अंदर से आत्मगिलानी क्यों है उसको? वो एकदम तुरंत बाहर आए और जो राजस्थान में 6 विधायक हमारे उस समय डांका डाल के वो ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे सरकार को, और चोरी करके 7 विधायक हम सपोर्ट कर रहे थे सरकार को मध्य प्रदेश में ले गए, और छीना झपट्टी मार करके 3 विधायक हमारे उत्तराखंड से ले गए, उनकी माफी मांग लें हमारी बहन मायावती जी से, और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अगर वो दलित ही चाहती है कांग्रेस और दूसरे अलायंस के गठबंधन, तो कुमारी बहन मायावती से बढ़िया कोई हो नहीं सकता, उन्हें डिक्लेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुमारी बहन मायावती जी माफी करके उनको और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचेंगी और बात बन सकती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस माफी मांग ले मायावती जी से तो वो बात मान जाएंगी और वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए राजी भी हो जाएंगी। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि फिर संभावनाएं हो सकती हैं और ये अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 नंबर तक हमारी पार्टी में केवल मायावती जी को है इस तरह के निर्णय लेने के, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावना बन सकती है जो पूरे देश में एकदम बढ़िया लड़ाई हो जाएगी। हमारा उत्तर प्रदेश में 13.5% वोट है, अभी 40-41% एसपी और आरएलडी को वोट आया, 44% बीजेपी को वोट आया। जब ऐसी स्थिति में वो नजदीक खड़े हैं और 40-41 के साथ हमारा मिल जाए 13.5, तो 53-54% हो गया, 1.5% जो कांग्रेस का वोट है उत्तर प्रदेश में वो मिल जाए तो 55-56% के आसपास हम पहुंच जाते हैं, तो फिर हम उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं और हमारा देश के सारे प्रदेशों में कहीं 9%, कहीं 7%, कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 1.5%, हर प्रदेश में वोट है। जब वो साथ मिलेगा तो हर प्रदेश में बीजेपी एकदम कमजोर और साफ होती हुई नजर आएगी, तो फिर लड़ाई हो सकती है। लेकिन आप तो 13% वोट की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव साफ साफ ये कह चुके हैं कि अगर मायावती आती है गठबंधन में तो वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। पिछली बार तो बैठक में उन्होंने पूछ भी लिया था कांग्रेस के नेताओं से कि क्या ऐसी चर्चाएं हैं कि मायावती गठबंधन में आ सकती है। उस दिनों दो खबर बाहर निकल के आई थी, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो संगठन है और अध्यक्ष सहित उन्होंने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि कांग्रेस को बीएसपी से समझौता करना चाहिए। दूसरी खबर यह आई थी कि अखिलेश जी ने उस मीटिंग में ये कहा है कि बीएसपी को नजदीक नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, जो बिल्कुल फिल्टर होकर चीजें आ रही हैं 7-8 दिन में, कि दोनों खबरें झूठी थी, दोनों खबरें चंडू खाने की थी, उनमें कोई दम नहीं था। असली बात यह थी उस दिन भी कि अखिलेश जी पहले मीटिंग में निकल करके आ गए थे और कहीं ना कहीं उनको जो मध्य प्रदेश की घटना है वो याद थी कि जहां उनकी ताकत थी कांग्रेस की ज्यादा, तो वहीं ये कह दिया था छोड़ो अखिलेश को,
तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में मेरी ताकत ज्यादा है मीटिंग से पहले निकल करके आ गए थे, तो इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ये रूमर और झूठी बातें थी दोनों खबरें। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। तो आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव साथ खड़े होंगे अगर मायावती आ जाती है तो? देखिए मुझे ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं, मैं तो इस बारे में मेरी कभी बात अखिलेश जी से हुई नहीं है। और जहां तक ये बात है फैसला लेने का हमारी पार्टी में, वो अधिकार केवल और केवल कुमारी बहन मायावती जी को है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो एक ही MLA है, तुम्हारी तो स्थिति है ही नहीं, और तुम्हें तो उल्टा साथ चाहिए। तो मैं साफ कह रहा हूँ, हमारा एक MLA यूपी में था, हमारे दो अभी राजस्थान में जीत के आए हैं और पूरे राजस्थान में हमें वोट मिला है, और वो वोट 2% के करीब था। अगर वो इधर मिल जाता तो राजस्थान से बीजेपी साफ हो जाती। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अगर हम उधर मिल जाते और ये SP को इज्जत दे देते, और जो SP को बेइज्जत करने पे जो यादव वोट भागा उसी की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, नहीं मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन रही थी बीजेपी की। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों में हम तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता यूपी में जो है एक MLA खड़े, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन लेंगे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जिनका नाम रख रहे हैं हमारे बगैर, तो हम पे तो खोने को कुछ है नहीं। आज हम तो जितना भी ये गेन कर रहे हैं डे बाय डे कोऑर्डिनेटर सिस्टम को पूरे को बहन जी इस तरह लगी पड़ी है पूरे देश का जाल बिछाकर खास करके उत्तर प्रदेश में, पर इन पे खोने के लिए सब कुछ है। पर जब इनसे बात करते हैं SP के लिए जिसको 6.5 करोड़ के करीब वोट मिला, अखिलेश पखिलेश छोड़ो, अरे छोड़ो मायावती को, इस तरह बात करते हैं, इनका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये कहां आके खड़े हो गए? ये अगर अब जिस तरह कंफ्यूज थे 3 साल तक अपना अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया, ऐसे ही अगर ये रहे कंफ्यूज अभी 10-15 दिन अगले, तो ये बिल्कुल वहां जाके खड़े हो जाएंगे जहां बीजेपी ने कह दिया है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आखिरी प्रश्न में लूंगा मैं आपसे, समझना चाहता हूँ साथ साथ कि क्या अगर मायावती BSP समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबके सब एक साथ आ जाएं और मायावती जी जैसे आप बोल रहे हैं उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो 2024 में सरकार गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी? देखिए मैं तो सीधा कह रहा हूँ, कहीं इधर उधर की बात नहीं है। आप अभी जो 2-1.5 साल पहले चुनाव हुए उसके आंकड़े निकाल लो, भाजपा को कितनी मिली, SPRLD को कितनी वोट मिली, उसको 44, उसको 40-41, तो 41 के साथ 13.5 जोड़ लो, 54.5 1.5% कांग्रेस का जोड़ लो, 56% वोट हो गया। तो एक तरफ 56 लड़ रहा होगा, एक तरफ 44% लड़ रहा होगा, तो किसका होगा? 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी, और जिसका यूपी उसका देश, स्थिति उल्टी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। आज जहां पे वो खड़ी है विपक्षी सो कॉल्ड गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम तो उसमें है नहीं, वहां स्थिति बीजेपी की आगे खड़ी हो जाएगी। और जहां बीजेपी की है 300 सीट से पार, वहां इस महागठबंधन की सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी। पर कांग्रेसियों में घमंड इतना है, वो दलितों को और बीएसपी को और पिछड़ों को, जिनमें यादव भी आते हैं गुजर भी आते हैं, कुछ समझते ही नहीं है वो लोग, ऐसे एटीट्यूड से बात करते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री वही है। तो अखिलेश यादव से नाराजगी की कोई बात नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नाराज हैं? मेरे हिसाब से तो नाराजगी कभी पहले थी, जब वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद तो हम मिलके लड़े और उसके बाद कोई बहुत बड़ी खटास कहीं कुछ है ही नहीं। राजनीति में तो सब चीजें संभावनाओं को खेले, कुछ भी संभव है। जो बीजेपी से तो कई बार लोग जो तोड़ के जाते हैं, नीतीश जी 2 बार चले गए फिर मिल गए, 2 बार चले गए मिल गए, तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पर कांग्रेस में इतना घमंड है, वो अभी अपने आप को प्रधानमंत्री और देश का पूरा अभी समझते हैं, सरकार उनकी है, अभी भी उनके नेताओं से बात करो एटीट्यूड कैसे आता है, आप इंटरव्यू ले उनका कैसे बोलते हैं, छोटा सा एक आदमी कैसे आकर के बात करेगा, वो बिल्कुल मोदी जी के बारे में इस तरह बात करेंगे, मायावती जी के बारे में इस तरह बात करेंगे, छोड़ो उसके दलित तरीके, उनका पिछड़ों से और दलितों से आजादी के बाद से और अब तक वोट उनकी लेते रहे, उनका हिस्सा जो था वो दिया नहीं गया था। अब अगर बात हो रही है पिछड़ों की और दलितों की, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आगे आना चाहिए, और अगर वो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देंगे, पूरा देश में एक बदलाव आएगा, वो आगे बढ़ के दिखाएं तो सही।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज बीएसपी का एक नया बयान निकल के सामने आया है, जिसमें बीएसपी सांसद मल्लू कुनागर ने एक बात साफ कर दी कि अखिलेश यादव से नाराजगी तो है ही नहीं, साथ ही साथ अगर बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो बीजेपी को 2024 में रोका जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती से माफी भी मांगनी होगी और बड़ा दिल दिखाना होगा। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।